नमस्कार, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हम इस वक्त बैठे हैं रतन कॉन्वेंट स्कूल सीकरी फरीदाबाद में। हमारे सामने हैं स्कूल के प्रिंसिपल। हम आपको बताना चाहते हैं रतन कॉन्वेंट स्कूल ना सिर्फ एजुकेशन में आगे है, स्पोर्ट्स में भी यहाँ के छात्र पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में दो कंपटीशन में यहाँ के छात्रों ने कई सारे मेडल जीते, उसके बारे में यहाँ के प्रिंसिपल मनोज जी बताएंगे। मनोज जी जी, अभी कौन कौन से कंपटीशन में आपके छात्रों ने धमाल मचाया है, थोड़ा सा बताइए। अभी हाल फिलहाल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ताइक्वांडो के अंदर नेशनल चैंपियनशिप थी जो यूपी के अंदर हुई थी। अच्छा, उसमें ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट हैं खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। शूटिंग एक गेम होता है, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं खेलो इंडिया के अंदर? 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। और ये जो अभी ताइक्वांडो और मैथमेटिक्स गेम है तो उसके अच्छा। अंदर एक स्टूडेंट हमारा इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हुआ है। और मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर हमारे 180 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, उसके अंदर 79 स्टूडेंट्स जो है वो नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए। यहाँ पे कौन कौन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं? हमारे यहाँ सब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। खासकर हमारे यहाँ शूटिंग रेंज एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। अच्छा। एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की शूटिंग रेंज हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास मिनी स्टेडियम है। अच्छा। जिसमें हम बच्चों को बास्केटबॉल, स्केटिंग और स्विमिंग पूल भी हमारे पास है। अच्छा। हम ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स किए जाते हैं? यहाँ पर स्टूडेंट्स एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, शूटिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। इसके अलावा ताइक्वांडो की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में फुटबॉल में भी हमारी टीम है। अच्छा। और जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं IIT JEE और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? IIT JEE एडवांस एंड मेन, इसकी प्रिपरेशन हम पिछले 2 साल से करवा रहे हैं। अच्छा। साथ में नीट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसकी प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। कितने बच्चे? लास्ट ईयर हमारे 2 बच्चे नीट के थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स में सिलेक्शन हुए। हमारे 10 बच्चों ने अपीयर किया। अच्छा। उसमें से 2 बच्चे हमारे नीट में सिलेक्शन हुए। अच्छा। IIT JEE 3 बच्चे IIT के लिए सिलेक्ट हुए। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम है, शूटिंग रेंज है, क्या दिखाएंगे उसको? बिल्कुल आइए, चलिए दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये मिनी स्टेडियम है, इसी की बात कर रहे थे? स्टेडियम है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या स्पोर्ट्स होते हैं? यहाँ पर बास्केटबॉल है, स्केटिंग अच्छा, रिंग है। अच्छा, ये बास्केटबॉल है, स्केटिंग रिंग है, जब जरूरत होती है तो हम लॉन टेनिस भी। स्केटिंग रिंग कहाँ पर है? स्केटिंग रिंग ये चारों तरफ रिंग है। अच्छा, चारों तरफ। अच्छा अच्छा, ये रिंग है, राउंड रिंग है ये। अच्छा अच्छा, इसमें बच्चे स्केट्स करते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें एक साथ 4,000 बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा अच्छा, कितने ग्राउंड हैं? फुटबॉल ग्राउंड है। अच्छा, बास्केटबॉल ग्राउंड है। कबड्डी कहाँ पर होती है? कबड्डी का भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग की दी जाती है। अच्छा 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 अच्छा, कुछ बच्चों से मिलाएंगे आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ट्विंकल। आप कौन से स्पोर्ट्स करते हैं? मैंने अभी एक ओलंपियाड दिया था। माय टीचर्स एंड पेरेंट्स सपोर्ट मी एंड एनकरेज मी टू अपीयर इन दिस मैथ्स ओलंपियाड। ओलंपियाड में आपकी क्या रैंक आई थी? एंड आई गॉट 3rd रैंक इन स्कूल एंड 28th रैंक इन स्टेट। अच्छा, आपको यहाँ पर कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं और यहाँ के कोच कैसे हैं, ट्रेनर कैसे हैं, शिक्षक कैसे हैं? एजुकेशन हमारे स्कूल में बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है और बच्चों को एनकरेज और सपोर्ट किया जाता है कि ऐसे लेवल्स में अपीयर हों। आप क्या करना चाहते हैं आगे अपने देश के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए? मेरे को डॉक्टर बनना है और मैं बड़े होकर साइंस लूंगी और मुझे पता है कि मेरे टीचर्स मुझे एनकरेज करेंगे इसके लिए। अच्छा, मैं आगे चल के अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन। आप यहाँ पर क्या क्या खेलते हैं, कौन सी चीजें खेलते हैं? क्रिकेट, रिले रेस। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फोर्थ में पढ़ते हैं। यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स आर वेरी गुड। अच्छा, और कोच कैसे हैं जो आपको स्पोर्ट्स कराते हैं? स्पोर्ट्स
सर वाज वेरी गुड। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप आगे फ्यूचर में? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? यस। आपका क्या नाम है? प्रेरणा शर्मा। प्रेरणा शर्मा जी, आप कौन से स्पोर्ट्स करते हैं? मैं कबड्डी खेलती हूँ। कबड्डी खेलती हैं, और यहाँ पर क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं? यहाँ पे हमें कोचेस अच्छे मिलते हैं, ट्रेनिंग अच्छी मिलती है। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे मैं कबड्डी की तरफ अपने गाँव का, हरियाणा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? नितिन भाटी। नितिन, आप कौन से स्पोर्ट्स करते हैं? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो करते हैं, और हाल ही में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें आपकी क्या रैंक आई थी? मेरा गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल। अच्छा, आप कैसे वहां तक पहुंचे, और आपको जो फरीदाबाद में रतन कॉन्वेंट स्कूल है, आपको यहां पे क्या क्या फायदे मिलते हैं जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंच गए? यहां पे सभी टीचर्स एक तो सपोर्ट्स करते हैं, प्रिंसिपल सर और कोच भी जो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट पार करके अब नेशनल तक पहुंचे। क्या बनना चाहते हैं आप फ्यूचर में? फ्यूचर में ओलंपिक। ओलंपिक जी, मेडल लेना चाहते हैं, गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। देश का नाम ऊंचा करना। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं दिन में आप? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम और 1 घंटे स्कूल में। कितने घंटे करते हैं? स्कूल के अंदर अपने 1 घंटे देते हैं। स्कूल में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि सुबह नहीं आ सकते, शाम को नहीं आ सकते? सब टीचर सपोर्ट्स करते हैं। सब सपोर्ट्स करते हैं। अब मतलब रतन कॉन्वेंट स्कूल में आपको कई सारे फायदे हैं। एजुकेशन कैसे है यहाँ की? एजुकेशन भी है, सभी बच्चों को भी बेटर दी जाती है, जिसकी वजह से सभी ओलंपियाड्स में भी और भी नीट्स एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और गेम के साथ साथ अच्छा ध्यान रखा जाता है स्कूल के अंदर। ठीक, ओके। तो शूटिंग रेंज कहाँ पर है प्रिंसिपल साहब? आप दिखाइए, ये शूटिंग रेंज है रतन कॉन्वेंट स्कूल। ये रतन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर शूटिंग रेंज है, और ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो शूटिंग करते हैं, और ये शूटिंग करके दिखाएंगे आपको किस प्रकार से ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। इनके हाथों में गन्स हैं, और गन से ये निशाना लगाएंगे टारगेट पर, निशाना लगाकर दिखाएंगे। ये 10 पे लगा रहे हैं ना? क्या नाम है आपका? अमन। अमन, रतन कॉन्वेंट स्कूल में आप शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करते हैं। शूटिंग आप कैसे करते हैं, जो टारगेट आपका है उसको अचीव कैसे करते हैं, निशाना कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा बताइए। जो ये बैक साइड है, अच्छा, इस वाले से हम फ्रंट साइड को देखते हैं। अच्छा अच्छा, दोनों को मिला के जब टारगेट को देखते हैं, अच्छा, जब दोनों चीज बिल्कुल मिल जाए एग्जैक्ट, उस टाइम पे फायर करना होता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करके। अच्छा, ये रतन कॉन्वेंट स्कूल में जो शूटिंग रेंज है, ऐसी शूटिंग रेंज फरीदाबाद में कितनी है? फरीदाबाद में तो ये पहली है इस तरह की। यहाँ पे आपको शूटिंग रेंज पहली है ये आपको क्या बेनिफिट मिलता है इस शूटिंग रेंज का? हमारे स्कूल में ये शूटिंग रेंज सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, स्कूल के बाद भी हम आ सकते हैं, पूरी परमिशन है हमको। अच्छा, टीचर्स हमको अलाउ कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कभी भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रेनर कैसे हैं यहाँ पे? ट्रेनर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो ये बच्चे हैं जो शूटिंग करते हैं, और हम ट्रेनर से भी आपको मिलाएंगे जो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। कोच क्या नाम है आपका? माइसेल्फ गुरप्रीत सिंह। अच्छा, मैं यहाँ बच्चों को कोच करता हूँ। अच्छा, और मैं खुद भी नेशनल का प्लेयर हूँ। और शूटिंग जो है एक महंगा स्पोर्ट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पे, कोई बच्चों से फालतू का
कोई भी जैसे कोचेस करते हैं वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल रीजनेबल रेट्स हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल की जो कोचिंग है वो यहाँ दी जाती है और अच्छा। महीने में एक बार यहाँ पे ओलंपियन लेवल का कोच भी विजिट करता है। अच्छा। तो बच्चों को देखता है सारा। आपका कहना है जो फरीदाबाद के रतन कॉन्वेंट स्कूल में शूटिंग रेंज है वर्ल्ड क्लास की शूटिंग रेंज है और यहाँ पे रेट्स बहुत ही किफायती हैं, यानी बच्चा अगर गरीब है मिडिल क्लास का है वो अफोर्ड कर सकता है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर बढ़िया ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी बिल्कुल। बच्चे कैसे हैं यहाँ पे? हम बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा। कितने लोग हैं प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर? प्रैक्टिस यहाँ पे 15 से 16 बच्चे हैं। आउटसाइडर भी हैं जो स्कूल के नहीं है वो भी आते हैं। स्टेट लेवल पे कितने यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो चुके हैं, कितने बच्चे? लेवल के यहाँ पे 2 से 3 कॉम्पिटिशन हो चुके हैं इसी रेंज पे। अच्छा अच्छा। जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के थे और 2-3 डिस्ट्रिक्ट के और थे वो यहाँ पे हो चुके हैं कॉम्पिटिशन। यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पर भी जाते हैं? जी बिल्कुल। अभी यहीं का एक बच्चा था वो दुबई में खेल के आया है। अच्छा। गोल्ड मेडल था। हुँ, तो इसी स्कूल का इसी रेंज का ही है वो। अच्छा अच्छा। मनोज जी, बच्चे बता रहे हैं ये शूटिंग रेंज जो है वर्ल्ड क्लास का है, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज मिलती है, कभी भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप इसको बेहतर और बेहतर कैसे बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए। ये हरियाणा में स्कूल लेवल पर पहली शूटिंग रेंज हमारे श्री यशवीर डागर के सौजन्य से यहाँ बनाई गई। अच्छा। उनका शूटिंग में बहुत लगाव है। वो चाहते हैं कि मेरे स्कूल से मेरे क्षेत्र से अच्छा शूटिंग में नाम करने वाले छात्र प्रतिभाशाली निकले। अच्छा अच्छा। इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने सपने को साकार किया है और हम लोग उनके सपने को उनकी दूरदृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। ये हमारे स्कूल के बाद ही कुछ दूसरे स्कूलों ने इस तरह की शूटिंग रेंज बनाई है। अच्छा। पहली प्रथम शूटिंग रेंज स्कूल लेवल पर हमारी ही है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब इसे डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाईएस्ट हायर टेक्नोलॉजी के साथ और हमारे साथ नेशनल लेवल के कोच और इंटरनेशनल लेवल के कोच जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो समय समय पर बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट है पिछले कई सालों से शूटिंग रेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और लगभग जैसे मेरे संज्ञान में मेरे नॉलेज में है 25 स्टूडेंट्स नेशनल खेल चुके हैं अभी तक और 15 स्टूडेंट इंटरनेशनल पर खेल चुके हैं। अच्छा। जो डिफरेंट लेवल्स पे अभी परफॉर्म करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट एशियन लेवल पर गोल्ड मेडल जीत के आया है। इसके अलावा हमारा एक स्टूडेंट है निशा यादव, शी इज सिलेक्टेड इन खेलो इंडिया एंड पार्टिसिपेटिंग इन शूटिंग रेंज एट दिल्ली। अच्छा। मनोज जी, आपका सपना क्या है? एक जैसे ये स्कूल है, स्कूल के अंदर शूटिंग रेंज है तो कुछ लोग पैसे कमाने के लिए फीस के लिए ये सब फैसिलिटीज देते हैं। ये इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है। ये एक सोशल कोच है जो कि हमारे चेयरमैन की सोच है और उस सोच को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह की प्रैक्टिस करके प्रतिभाशाली बच्चों को तैयार करना, देश को अच्छे खिलाड़ी और नागरिक मिले, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है मनोज जी।